हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेन्स नेस्ट। मैं रूबी सेन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए आपको। और लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक केक रेसिपी जो मैंने और बेटी ने मिलके, दोनों ने मिलके बनाया है। एक सिंपल इंग्रेडिएंट से जो ऑलमोस्ट हमारे घर पे रहता है वही सब यूज़ करके हम लोग ने कैसी एक केक बनाया है वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हम लोग अपना टाइम किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं सब कुछ मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। सो ब्लूबेरीज़ केक आज हम बनाने वाले हैं। सो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपके सामने हैं, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए ब्लूबेरीज ऑफ कोर्स, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप ऑफ हमारे पास था ग्लूटेन फ्री वाइट ब्रेड मिक्स फ्लावर, तो हमने वो यूज़ किया है, एंड 1 कप ऑफ शुगर, एंड या दैट्स ऑल। सो सबसे पहले जो आपका फ्लावर है, आप मैदा भी ले सकते हैं, प्लेन फ्लावर कोई भी रेगुलर फ्लावर, उसे अच्छे से स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करके उसे एकदम फाइन स्मूथ पार्टिकल्स बनाना है, इसलिए हम उसे स्ट्रेन करते हैं अपने फ्लावर को। एंड साइड में आपको एक एग एंड शुगर अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर पे मिक्स करके रखना है, अच्छे से ग्राइंड करके रखना है, लाइक फेट की आप फेट भी सकते हैं उसे अच्छे से। उसके बाद क्या करना है कि आपको ये जो फ्लावर है इस पर थोड़ा थोड़ा करके आपने जो अलग से एग एंड शुगर ग्राइंड करके रखा था उसे ऐड करना है और उसे अच्छे से फेटना है, मिलाना है अपना बैटर, केक का बैटर प्रिपेयर करने के लिए। एंड एंड में आपको उसमें 1 कप ऑफ मिल्क डालना है, आप चाहे तो 1/2 कप भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि कंसिस्टेंसी आपको थोड़ा सा थिक चाहिए। हमारा एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी था क्योंकि हमने ग्लूटेन फ्री ब्रेड मिक्स यूज़ किया था तो हमें 1 कप ऑफ मिल्क डालना पड़ा, बट अगर आप कोई प्लेन फ्लावर यूज़ करते हैं आप 1/2 कप या 3/4 कप ऑफ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छे से जब आपका बैटर रेडी हो जाता है अच्छे से उसे फेंटना है, अच्छे से उसे मिलाना है आपके बैटर को, जैसे यहाँ मॉम स्क्रीन में आप यू कैन सी माई मॉम इज़ मेकिंग द बैटर। उसके बाद आपको एक बेकिंग ट्रे लेना है, उसको अच्छे से ग्रीस करना है वेजिटेबल ऑयल से, एंड उसके बाद आपको ये बैटर उस पर ऐड करना है, अच्छे से पूरा स्प्रेड आउट करना है आपके बेकिंग ट्रे पे। एंड अब ब्लूबेरीज ऐड करना है आपको उस पूरे बैटर पे जो आपने बेकिंग ट्रे पे स्प्रेड आउट किया है। बेकिंग ट्रे ऑफ कोर्स बिफोर एडिंग द बैटर प्लीज़ ग्रीस इट विद आइदर बटर और एनी ऑयल यू यूज़ बिकॉज एनी कुकिंग ऑयल ऑफ कोर्स बिकॉज इफ़ यू डोंट ग्रीस इट देन आपने जो केक आपने जो बैटर सिर्फ विदाउट ग्रीसिंग के अगर डाला होगा ओवन में, जब वो बाहर आएगा बनके तो वो ठीक से बाहर इट वोंट कम ऑफ नाइसली, आपका बेस चिपक सकता है केक का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपन्स इवन इन द नॉन स्टिक बेकिंग ट्रेज। या सो एज यू कैन सी आई एम डेकोरेटिंग द ब्लूबेरीज बिकॉज इट इज़ अ ब्लूबेरी केक, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लूबेरी केक होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड। सो इसके बाद आप इसे ओवन में बेक करने के लिए रख दीजिए 180 डिग्रीज पे। यूजुअली दे से इंस्ट्रक्शंस पे कि 180 डिग्रीज पे यू पुट इट इन द ओवन फॉर 45 मिनट्स, बट इन आवर केस इट वाज
done in 15 minutes because we put it at the top of the oven, which we shouldn't have done. That's why it came off, but not that nicely. It got little bit burnt, but it tasted really good.